So welcome back to the another video of the Talk Buster where I'm gonna rip up your breath with a new exciting automated video. So आज अपन बात करने जा रहे हैं recently launched Suzuki की V-Storm के बारे में. Basically ये 250cc की bike है और ये Indian markets में launch हो चुकी है और dealerships पे ही available है. और मैं इसकी आपको एक्स शोरूम प्राइसिंग बता देता हूँ. इसकी प्राइसिंग 212,600 रुपये है एक्स शोरूम प्राइसिंग भोपाल में. और इसके आपको बेसिकली 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे. ये जो आप देख रहे हैं ये इसका चैम्पियन येलो कलर, दूसरा जो है वो बेसिकली इसका पर्ल ब्लेज ऑरेंज है, और तीसरा जो कलर इसका अवेलेबल है वो है ग्लास स्पार्कल ब्लैक. और अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट की, तो यहाँ पे आपको बड़ी सी विंडस्क्रीन देखने को मिल जाती है. साइड में इसके अंदर आपको टर्न सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं. ये बेसिकली आपको हैलोजन बल्ब में ऑफर करे जाते हैं. हेडलैम्प्स की मैं बात करूँ तो ये बेसिकली आपको LEDs में ऑफर करे जाते हैं. और ये हेडलैम्प्स जो हैं वो आपने शायद कहीं देखे हों तो वो यहाँ से लिए गए हैं. इसके फ्रंट हेडलैम्प्स ये बेसिकली LEDs में ही आपको ऑफर करे जाते हैं. साइड में आपको नकल कवर्स देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, और काफ़ी खूबसूरत लुक है इसका फ्रंट से. फ्रंट में आप ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पे V-Storm SX की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी. फ्रंट में आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं इसको बिग डिज़ाइन बोला जाता है. और अगर मैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं विद कॉइल स्प्रिंग एंड ऑयल डैम्प. और अगर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इसके रिफ्लेक्टर्स देख पा रहे हैं, ये आपको सस्पेंशन के साइड में ऑफर करे जाते हैं. दोनों ही साइड लेफ्ट और राइट साइड आपको इसके रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं गाड़ी को और इंडिकेशन देते हैं. और अगर मैं इसके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसके अंदर आपको बाइबर की ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है. इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है. और फ्रंट जो इसका डिस्क साइज़ है वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 300mm के आसपास होगा. ये भी कंफर्म नहीं है कि कितना साइज है इसका. फ्रंट में आपको MRF के टायर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं. और फ्रंट में आपको यहाँ पे जो टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है वो बेसिकली 100/90 की है. और इसके अंदर आपको फ्रंट में 19 inches के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं इस बाइक को. साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग सा बहुत एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा जो कि है इसका USB चार्जिंग सॉकेट, जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं लॉन्ग ड्राइव्स पे अगर आप जाते हो. ये इसके नकल कवर्स हैं जो आपके हैंड्स को सेफ रखेंगे. और कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का लुक यहाँ से. और अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा. ये बेसिकली सपोर्ट करता है ब्लूटूथ को भी. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड आप इसके मोड्स को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे आप इसके वार्निंग लाइट्स देख पा रहे हैं. बीच में आपको सुजुकी की बैजिंग देखने को मिलती है. नीचे आप इसका एवरेज देख पाएंगे, फ्यूल इकोनॉमी कितने किलोमीटर चल चुकी है, डिजिटली RPM मीटर आपको देखने को मिलेगा. ऊपर आपको टाइम देखने को मिलेगा. और राइट साइड कॉर्नर में आप इसका फ्यूल मीटर देख पा रहे हैं. ये जो है बेसिकली यहाँ पर भी आपको वार्निंग देखने को मिल जाती है. इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बेसिकली आपको नेविगेशन भी बताएगा टर्न बाय टर्न. और ऐसे बहुत से एक्स्ट्रा फीचर आपको इसमें देखने को मिलेंगे. ऐसा दिखती है इसके फ्रंट हेड लैम्प्स. और अब बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट साइड कंट्रोल्स की. तो लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच देखने को मिल जाता है. उसी के नीचे आप इसके अपर और डिपर के कंट्रोल्स देख पा रहे हैं, टर्न सिग्नल के कंट्रोल्स. और उसी के नीचे आप इसके हॉर्न का बटन देख पा रहे हैं. राइट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलेगा. उसी के नीचे आप इसका सेल्फ स्टार्ट का बटन देख पा रहे हैं. इसका जो टैंक है ये बेसिकली आपको 12 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है. और यहाँ पे आपको SX की बैजिंग देखने को मिल जाती है, 250 की बैजिंग देखने को मिल जाती है. इसके अंदर आपको जो है सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है विद सुजुकी इको परफॉर्मेंस सिस्टम भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है. तो यहाँ पे आपको इसकी स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है. बीच में जो है वो बेसिकली आपको मैट फिनिश प्रोवाइड करी गई है. साइड में आप इसके ग्लॉसी ब्लैक फिनिश को देख पा रहे हैं. यहाँ पे भी आपको एक अलग सा ग्राफिक डिज़ाइन प्रोवाइड करा गया है. और ये रहा इसका इंजन. यहाँ पे आपको इसके अंदर 6-speed का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है जो कि कांस्टेंट मैच है. इसके अंदर आपको 205mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. यहाँ पे आप इसके लेफ्ट फुट रेस्ट को देख पा रहे हैं. इसके अंदर आपको स्प्लिट सीट्स ऑफर करी जाती हैं. सीट्स की जो हाइट है वो इसलिए 835mm की है. और यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट ऑफर करी जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं. यहाँ पे आपको रियर रैक एडजस्टमेंट भी ऑफर करे जाते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा इसके अंदर एडजस्टमेंट लगाना चाहें लॉन्ग ड्राइव्स के लिए. और यहाँ पे इसका रेड टेल लैम्प जो है वो बेसिकली आपको LEDs में ऑफर करा जाता है. टर्न सिग्नल आपको हैलोजन बल्ब में ही ऑफर करे जाते हैं. यहाँ पे आप इसके नंबर प्लेट लाइट्स को देख सकते हैं. और बीच में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर ऑफर करा जाता है. ऑल थैंक्स टू मां सुजुकी जिन्होंने मुझे अलाउ करा इस गाड़ी को शूट करने के लिए. और अब बात कर लेते हैं इसके रियर टायर की. तो रियर टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको MRF के मो ग्रिप्स देखने को मिलते हैं.
और इसकी जो प्रोफाइल है वो बेसिकली आपको, अगर मैं आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 140x70 और 17 इंचेस के आपको रियर एलॉय व्हील्स इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप इसके रियर डिस्प्ले देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। बाइबर का ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा आपको ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करा है इसके अंदर। और रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो रियर में आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड स्विंग आर्म देखने को मिलता है, जो कि कॉइल स्प्रिंग और ऑयल डैम्प में आपको मिलता है। यहाँ पे आपको डुअल टिप मफलर प्रोवाइड करा जाता है, जो कि काफ़ी एक अच्छा आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है। साइड में आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है इसके एग्जॉस्ट को। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको इसके फुट रेस्ट ऑफर करे जाते हैं। यहाँ पे आपको इसके ब्रेक का लीवर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन की, तो इसका इस गाड़ी का जो इंजन है वो बेसिकली आपको 249cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 26.5 PS की पावर एट द रेट 9300 RPM और 22.2 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट द रेट 7300 RPM। और यहाँ पे इसके अंदर आपको MotoGP की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। इसका जो पिस्टन्स हैं वो बेसिकली उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली आपको MotoGP के एलिमेंट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पावर प्रोवाइड करते हैं इस गाड़ी को। और यहाँ पे आप इसका एग्जॉस्ट पाइप देख पा रहे हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1200 ml का दिखाया हुआ है, किसके अंदर आपको इंजन ऑयल कैपेसिटी इतने की देखने को मिलती है सुजुकी की बैजिंग। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो बेसिकली इंजन अंडर काउलिंग देखने को मिल जाती है, जो कि प्रोटेक्ट करता है इसके इंजन को। और यहाँ पे आप इस गाड़ी का रेडिएटर देख पा रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन करा गया है इस गाड़ी को। और इस गाड़ी का जो बेसिकली टोटल वेट है वो बेसिकली 167 kg का है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी लाइट है, और इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये रहा एक पूरा स्पेसिफिकेशन वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।